Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's prelims booster series is about the Bharat Parv 2023. I hope you all are doing well. So, without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So, recently, Bharat Parv organised and 6-day event. जिसके अंदर रेड फोर्ट के सामने जो लॉन्स एंड ज्ञान पथ है उस पे रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन का इसे एक पार्ट समझा जाएगा एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को उनके ट्रेडिशंस को उनके कस्टम को हाईलाइट किया जाएगा उनके बारे में बताया जाएगा तो इसके लिए ही इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड हमारे कल्चर को हमारे ट्रेडिशन को बूस्टअप मिलने के साथ साथ यहाँ पे जो टूरिज्म है फिर वो भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि सिक्स डे का मेगा इवेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इस इवेंट के लिए लोग आएंगे टूरिज़्म इंप्रूव करेंगे एंड किसी भी कंट्री के लिए जो टूरिज्म फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके कंट्री का टूरिज़्म इंक्रीज हो क्योंकि वहीं से ही जनरेशन ऑफ वेल्थ होती है और मेजर बात यह है कि दो साल के गैप के बाद ये फिजिकल मोड में ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर से रिलेटेड होने वाली है जिससे कि सभी लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में समझें उनके कल्चर को उनके ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करें एंड जो टूरिस्ट आएंगे वो भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस हों तो इस भारत पर्व के हम कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं द फर्स्ट वन इज़ फूड फेस्टिवल विच इंक्लूड्स की डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के उनके ट्रेडिशंस के बहुत ज़्यादा अलग अलग क्यूजीस यहाँ पे अवेलेबल होंगे एंड जो फूड है वो एक पहली मेजर ऐसी चीज़ होती है जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई करना किसी को नहीं किसको नहीं पसंद तो इससे ही हम एक और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी तक जो मेजर बर्निंग इशू बना हुआ है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लोग अभी तक पार्ट नहीं मानते वो खुद को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानते और जो कुछ इंडियंस हैं वो भी बोलते हैं कि उन्हें वो बाहर के एज्यूम करते हैं दैट दे आर नॉट इंडियंस तो ये वाला जो मेजर इश्यू है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ से सॉल्व हो सकता है कि वहाँ पे पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएं लाइक वहाँ के फूड के बारे में जाने वहाँ के कल्चर के बारे में जाने उनके डांसिस के बारे में जाने वहाँ के जो भी ट्रेडिशंस ट्रेडिशन होते हैं या फिर जो भी आर्टिजन होते हैं हैंडीक्राफ्ट होते हैं जो भी सारी चीज़ें होते हैं हम उनके बारे में जानें और उनको भी अपनी चीज़ों के बारे में समझाएं तो इसीलिए ही भारत पर्व पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट्स हैं जो वहाँ पे होंगी वहाँ पे फूड शेयर्स होंगे अलग अलग कल्चर के अलग अलग कस्टम्स के वहाँ पे हैंडी क्राफ्ट मेलाज लगेंगे अलग अलग फोक डांसेस होंगे वहाँ पे ट्राइबल के डांस भी होंगे जिससे कि सब लोग एक दूसरे के कल्चर में ऐसे में लेट हो जाए और फीलिंग ऑफ वनस है वो एक कंट्री के लिए बनी रहे एंड इसीलिए जो इसमें हाईलाइट्स हैं वो यही सारी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर जब टूरिज्म भी बहुत सारे लोग आएंगे टूरिस्ट आएंगे वो भी हमारे कल्चर हमारे ट्रेडिशन के बारे में समझें उससे इंफ्लुंस हो और उसके वो हैबिचुल हो जाए जिससे कि वो भी हमारे कल्चर को जब ऑप्ट करेंगे हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा प्रोप्रोगेट होगा हमारे यहाँ पे फिर अल्टीमेटली वेल्थ uh, जो है वो हमारे यहाँ पर आएगी तो यही सारे रीजंस होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस इस फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी जो लोकल चीज़ें हैं वो वोकल होंगी क्योंकि तो जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना जिन्हें सेलिब्रेट करते हैं जैसे अभी भारत पर्व है ये भी काइंड ऑफ फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये इसीलिए ही सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं जो हमारे लोकल पीपल हैं वो अभी वोकल हो मीन्स उनके प्रोडक्ट्स उनके क्योंकि हैंडीक्राफ्ट मेलाज लगेंगे हाथ से बनी हुई चीज़ें वहाँ पर बिकेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल वेंडर्स हैं जो लोकल पीपल हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी अपार्ट फ्राम दिस अलग अलग कल्चर के बारे में जब लोग जानेंगे टूरिज्म जब इम्प्रूव होगा तो जनरेट होगी और इसके साथ-साथ जो हमारे और मोटिव हैं लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत या फिर देखो अपना देश ये सारे जो मिशंस हैं इनके अंदर जो भी चीजें हैं कि लाइक हम सेल्फली प्रोड्यूस करेंगे हम अपने लोकल को वोकल बनाएंगे वो सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो वन बाय वन करके सब इसमें इंक्लूड होते चली जाएंगी इसीलिए ये काइंड ऑफ अम्ब्रेला पर है जिसके अंदर और सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं ऐसे ही और चीज़ें हैं जैसे मिशन लाइफ G20 एंड ये बहुत सारी चीज़ें हैं द वन विच आई टोल्ड यू और ये सारे पर्व जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब्स मिले वहाँ पे और टूरिज्म इंक्रीज हो और धीरे धीरे ही लोग कहते हैं ना कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है इतनी ज़्यादा भूखमरी है इतना ज़्यादा हंगर है तो आप उन पर क्यों वर्क नहीं करते भाई ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ ही जब टूरिज्म इंक्रीज होगा पैसे आएंगे तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड जब पीपल टू पीपल टाइज ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो हमारी जो कंट्री है वो